शांत हो जाओ। ठीक, चलो बाबू, कहां तक हुआ था बुक में? बुक में कहां तक हो रखा है? संडे को कहां तक किए थे? 18 के बाद अब चलेंगे। ठीक, जिनको है प्रॉब्लम बोलेंगे बुक से, कहेंगे एकर्गिस तो नहीं बताएंगे, जिसमें प्रॉब्लम है बस वही पूछेंगे। ठीक, 19, 20 बाबू होन गया, 21, 22, 23 नंबर देखो, 23 ए बराबर बी का 4/5, ए बराबर बी का कितना है, कहा मैंने गुना होता है 4/5, ठीक ना, तथा बी बराबर सी का 5/2, तथा बी बराबर सी का 5/2, तो ये सी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक ना, तो ध्यान देंगे बाबू यहाँ से ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5, और यहाँ से बी सी का रेशियो 5, तो इसमें क्या चीज पूछने वाली बात है बाबू, हाँ कोई दिक्कत है इसमें, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 4/5, ठीक, ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 4/5, चले आगे। ठीक, 22, 23, 24 जो नहीं बना बस वही पूछेगा, ठीक, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 देखो 34 है क्या, इक्कीस अड़तीस पचपन एक सौ छो, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपात हो जाए, यानी प्रत्येक में क्या घटा दे कि नई संख्या समानुपात हो जाए, तो ऐसा बताइए, नई संख्या समानुपात हो जाए माने ई दुयो के अनुपात है, ई दुयो के अनुपात समान हो जाए, समानुपात के मतलब होता है अनुपात क्या हो जाए, समान माने ई दुयो के अनुपात है, ई दुयो के अनुपात समान हो जाए, समान हो जाए माने बराबर हो जाए। अब प्रत्येक में क्या घटाएगा बाबू बताओ, प्रत्येक में क्या घटाएगा, तो प्रत्येक में हम x घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 21/(-x-) प्रत्येक में क्या घटाया जा रहा है, किस समानुपाती, इसको हल कर लेगा, इसको क्या कर लेगा, हल कर लेगा, ठीक ना, इसको जो है हल कर लेगा। या एक उपाय और आपको हम बता रखे, पता है तुम लोग को, बाई ऑप्शन बोले थे, बाई ऑप्शन से चलने के लिए, हाँ सिंपल बनेगा बाई ऑप्शन से बाबू, देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, 2, 4, 6, 8 है ना, 2, 4, 6, 8 तो सुन लो बाबू, सुन लो, प्रत्येक में घटाओ, ऑप्शन से रखो, ये तो ऐसे बना लेगा, मान लो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19/36, कटना चाहिए कुछ कट उठ के आएगा, ठीक ना, उसका आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं होगा, 4 घटाएंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा, 17, 4, हाँ
देखो चार घटाओ तो ये कितना हो गया 17, चार घटाओ 24 कितना हो गया 1/2। आप भी एनम चार घटाओ तो 51, इधर भी घटाओ आ गया ना काट के, तो 1/2 = 1/2 होगा। प्रत्येक में क्या घटाएंगे तो भाई ऑप्शन से सिंपल बनेगा, ठीक ना। ऐसा हल करने के मैंने कर लो, ठीक चले आगे। अब 34 हो गया क्या आगे बाबे 34 बन गया, उतार लिया। 35 भी वही है ना, 35 भी देख लो आप, 35 भी वही चीज है। 35 ये 5, 13, 22, 27 प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए, क्या जोड़े 2, 4, 3, 5 प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए, प्रत्येक में क्या जोड़े बाबू। ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ऑप्शन से कर देते हैं कुछ करेंगे, इसे लिखा लेगा समानुपाती हो जाए मैंने ईदियों के ईदियों का अनुपात की हो जाए बराबर, तो 2 जोड़ के देखेंगे 7/15 लग रहा है, नहीं 4 जोड़ के देखेंगे जोड़न जाए है, 4 जोड़ के देखेंगे 9/ कितना हुआ 9/17 लगता है ना, ई 3 जोड़ो 8/16 मैंने आधा नहीं, और 3 ये 9 जोड़ो 25/50 मैंने आधा, तो ये जितना आप चेक करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंसेस आएगा, ठीक ना। चलो आगे बाबू, चले 35 तक हो गया आगे 36, 37 जिनको है प्रॉब्लम बस वही बोलेंगे, 38 नंबर कल भी ये बताए 38 है पता, देखो तो बाबू 38 नंबर किसी व्यक्ति के आय और व्यय का रेशियो जो है 11:10 है, पर प्रति वर्ष हुआ 9000 बचाता है, कितना बचाता है प्रति वर्ष हुआ 9000 बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, प्रति वर्ष 9000 बचाता है यहाँ कितना बचा रहा है, तो एक वर्ष में आय कितना हो जाएगा 11 से गुणन हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा प्रति वर्ष आय 11 से गुना हो जाएगा, ठीक 11 से गुना। अच्छा तो एक वर्ष के ना आ गया अब बटे बाद लगता है कल सेम क्वेश्चन बता रहे थे कल या परसों, हम क्या बोले थे कि जो भी मेरा असाइनमेंट अच्छा से ध्यान देके बनाएगा बुक में एक भी नहीं फंसेगा, सब देखो ना मेरा असाइनमेंट सब आ जाएगा। चलो आगे 37, 38, 39, 40, 41, 43, 42, 43। अच्छा 43 हुआ कि नहीं हुआ, बन गया 43 ऐसे है बाबू 1050 रुपए एबीसी में बांटे थे, इस प्रकार बांटो कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/5 मैंने 2:5 तो ई तीनों को बांटना है, तो तीनों का योगफल कितना है निकालना क्या है, ए का भाग तो इंडिविजुअली रूप से बी का या सी के सेपरेट भाग नहीं निकल सकता, जब भी निकलेगा ए के भाग या फिर बी प्लस सी का योग। यस चलो 44 बाबू बोलो बताए थे ना 44 है बताल कि नहीं है, नहीं कि
1655 रुपया 90 पैसा को अमित विपिन चंद्रा के बीच बांटा गया, 280 81 में ही नंबर आया। ये क्वेश्चन आया ठीक ना। आगे 45 ये भी लगातार वहां पर भी हम दे दिए थे ठीक। 46 47 47 48 49 50 50 50 बताए ना, 50 बताए। चलो फिर आगे 50 नंबर क्या देखते हैं, 50 है क्या बाबू? अच्छा हाँ, 50 नंबर जो है ना हम तुमको छोड़ दिए थे असाइनमेंट में, अभी हम बता देते हैं। 50 नंबर जो है ना असाइनमेंट में हम छोड़ दिए थे, बोले थे कि बुक में बताएंगे क्या। अब देख लो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बाबू रे, 600 रुपया को 600 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के दो बटे पांच भाग से 40 रुपया दी, और बी के 2/7 भाग से 20 रुपया दी, और सी के 9/17 भाग से 10 रुपया अधिक, आपस में बराबर है तो एक भाग कितना। ऐसा महेश मिस में 3 क्वेश्चन मिलेगा बाबू, यहाँ पे सिर्फ 1 ही 2 क्वेश्चन मिलेगा ठीक। तो ये टैप नहीं बताए थे, अभी बता रहे हैं, आप अच्छा से समझने की कोशिश करना ठीक। बोला गया कि 600 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांट दो, 600 रुपया एबीसी को इस प्रकार बांट दो तीनों में कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक, और बी के 2/7 भाग से 20 रुपए अधिक, और सी के 9/17 भाग से 10 रुपए अधिक, आपस में सभी कि ए के 2/5 भाग में 40 जोड़े, बी के 2/7 भाग में 20 जोड़े, और सी के 9/17 भाग में 10 जोड़े, तो आपस में की हो जाए। पहले ही सब आता था, 20 नहीं आता था, ये 40 20 10, तो क्या कहते थे कोफिशिएंट उलट जाता है कि तीन राशि आपस में बराबर, लेकिन की चीज उल्टेगा गुना में जोड़ में नहीं। तो बाबू इसका देखो प्रोसेस है, इतना बराबर के मान लेना, कौन सी मानना, इतना बराबर, तो सुन लो, तो इतना बराबर भी के हो जाएगा, इतना बराबर भी के हो जाएगा, इतना बराबर भी के हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे इतना बराबर मान लिया के, तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के। तो अब सुनो, अगर इतना बराबर के होगा तो क्या होगा, ये हम दिखाते हैं। यानी 2/5 ए प्लस 40 इज इक्वल टू के, तो यहां से ए का मान हमको निकालना है, तो 2/5 ए बराबर के माइनस 40। अच्छा ए बराबर क्या होगा, के माइनस 40 इंटू ये 5 ऊपर और तू 5/2, यही ना आएगा ए के मान। ठीक उसी प्रकार इतना बराबर के होगा तो बी के मान आ जाएगा, ठीक ही उसी प्रकार इतना बराबर के होगा तो सी के मान आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुन लो, अगर इतना बराबर तो हम इधर साइड में नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने कोशिश करेंगे कि इतना बराबर के होगा तो क्या हो जाएगा, के माइनस 40 होगा ना, के माइनस 40 सही उलट के गुना ने 5/2, और उसी बी के मान यहां से डायरेक्ट निकालेंगे, ये 20 माइनस हो जाएगा, के माइनस 20 इंटू ठीक, और उसी सी के मान निकाल दो
के माइनस टेन एन हुआ, ए के भाग है ई बी के ई सी के माने, और तीनों के योगफल कितना बताया है 600 रुपया के एबीसी में बांटना है, मैंने एबीसी के क्या है योगफल, तो योगफल बराबर योगफल, अब हल कर दो के मान निकाल लो। तो देखो हल कर रहे हैं बाबू, एलसीएम 229 का 229 का एलसीएम 2 से भाग दो 9 पचे 45 दो में गुना होगा क्या हो जाएगा 45 के माइनस 45 चौका 180 पर वो आगे प्लस है तो प्लस दे दिए बाबू। अब यहाँ 2 से 9 सती 63 गुना के 63 के और माइनस 63 दूनी 126 ये न होगा, प्लस है प्लस दे दिए 9 से भाग लगाओ 2 70 दूनी 34 34 के माइनस 34 340 अब बराबर। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये तो उधर गुना हो जाएगा ना 18 × 6 = 108 लिख सकते हैं, यहाँ से काट के लिख दे यहाँ कितना हो जाएगा 18 × 6 = 108 पर डबल जीरो होगा कि नहीं, यही ना होगा। अब सुनो के को जोड़ो, के थोड़ा जोड़ दो, ये के है ये के है ये के है, तो देखो 5 × 3 = 8 × 4 = 12 के सेकेंड अंक दो 3 × 6 = 9 × 9 = 13 × 14 कितना के हो जाएगा। अब बराबर देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सुन लो ये 1800 के 1200 के और तो सुनो 1260 और 340 कुल माइनस सेम है बाबू, तो 12 × 3 = 15 और 60 = 40 तो 12 × 3 = 15 = 1600 और 1800 = 3400 होने जाए जुट जाएगा तो 3400 ने जुटेगा बाबू, तो 1800 में 34 जोड़ो 1800 है में 3400 जोड़ो 1842 सो हो जाएगा रखेगा तो ए के मान आएगा, बी में रखेगा तो बी के भाग आएगा, तो के मान यहाँ रख दो 100 में 40 गया 60 × 5/2 कितना आ जाएगा ए का मान देख लो इस बचे ए के भाग क्या है यहाँ अगर रखेगा तो बी के भाग आएगा, यहाँ रखेगा तो आप पहले नोट करो फिर से एक बार समझा दे। सब 3 क्वेश्चन मिलेगा बाबू, ठीक है महेश मिश्र भी मिलेगा। देखो इतना बना लिया फिर तुमको कभी भी रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ठीक ना। अब पूरा कंपटीशन मैथी मानो कि रेशियो पर ही आधारित है, इसलिए रेशियो पे ज्यादा फोकस। जैसे आप लोग आईएससी 11-12 करते होंगे, नहीं 12 में जाते होंगे तो 5-6 महीना सिर्फ चलते रहता होगा सॉलिड स्टेट, क्या चीज नाम रहता है
चलिए एक बार और समझा दे। देखो बाबू इसका पूरा काम। ₹600 को एबीसी में बांटना था, ठीक ना? इस प्रकार बांटना था, ए के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 भाग से 20 रुपए अधिक, और सी के 9/17 भाग से 10 रुपए अधिक। आपस में सब बराबर है, तो इतना बराबर हम के मान लिए, तो इतना बराबर के हुआ बाबू, तो ए का मान क्या हो जाएगा? के माइनस 40 सही उल्टा गुना की नहीं, के माइनस 20 सही उल्टा गुना हो जाएगा ना इसे? अब फिर हल कर दें, कहानी खत्म, एलसीएम ले लिए। अच्छा एक टैप से और बना सकती हूँ उसको, बिना के को, बिना के कैसे बना सकती हूँ? कैसे बना सकते हो? ऐसे सुनो, अरे यार की भी मिटा दिया, ये तो कम से कम रहेगा ना, एक के 2/5 भाग से कितना अधिक, अब बी के 2/7 भाग से 20 रुपए दे, अब सी के 9/17 भाग से 10 रुपया अधिक। आपस में सब बराबर है, आपस में सब क्या है? बराबर है, आपस में सब बराबर है बाबू, ठीक ना? आपस में सब। आप क्या करो ना, एक को यहां से हटा दो, 10 हटा दो, माइनस 10 करेंगे तो हट जाएगा, या 20 को हटा दो, या इसको हटा दे, 10 को हटा दे, कोई दिक्कत है? किसी को भी हटा देना, हम 10 को हटा दिए तो यहाँ क्या बचा? 9/17 सी। अरे 10 को हटाए मैंने, 10 इसमें माइनस हम किए बाबू, 10 क्या किए? तो एक माइनस करेगा, सब में माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ बराबर? 10 माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा? 2/7 बी प्लस 10 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2/5 ए प्लस। अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे 2/5 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमरा बता, सुन लो, इससे ये पूरा से, यानी पूरा से 2/5 कॉमन, ठीक? तो 2/5 कॉमन लेने का मतलब है 2/5 से दुयम भागा, तो यहाँ 2/5 कॉमन ले लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बचेगा कितना जानते हो? ए प्लस 2/5 से भाग दे दो 30 में, 30 में 2/5 से भाग दे दो, कॉमन लेने का मतलब वो भाग देना, यस 15/25, कोई दिक्कत है तो बताना। यहाँ 2/7 ले लो कॉमन, 2/7 कॉमन ले लो, मैंने 2/7 से भाग लगाना, ये हो तो 35 बी प्लस, अब बराबर यहाँ हो जाएगा 9/17। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम इसको एक राशि मार देंगे, इसको एक राशि, इसको डबल राशि, दूसरी इसको तीसरी राशि, सी को तीसरी राशि, सी को तीसरी, तीन राशि है आपस में बराबर या नहीं है ना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ए प्लस 75, इसको एक राशि मान लिया, दूसरी राशि इसको, तीसरी राशि, तो ये तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा? उलट जाएगा कोफिशिएंट, उलट जाएगा ना, क्या हो जाएगा उलट के बोलो? 5/2 = 7/2 = 17/9 होगा या नहीं होगा बताओ हमको? ए फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, सीधा कर दो, कितना 18, तो 18 गुना करेगा तो 9/5 9/7 18 गुना करेगा 2 7 2 बाबू थोड़ा सा एक सेकंड। अब आप देखो कि 600 रुपये ए बी सी में बांटना था, आई जे रेशियो आया ए प्लस 75 के आया, ए प्लस 35 यानी ए में 75 रुपया जोड़े और बी में 35 रुपया जोड़े और सी के भाग का ही रेशियो है, इन्हें की ए बी सी का नहीं रेशियो है, ए में 75 जोड़े और बी में 35 जोड़े और सी के उसी राशि दिए तब ही रेशियो आया, तो आप भी ए में 75 और बी में 35 जोड़ दो तब तो इसी में पूरे में जोड़ दो 75 और 35 तब तो ये पूरा के रेशियो बराबर हो जाएगा ना, तो 75 35 कितना हुआ आपको बताऊं? 75 35 100
110, 110 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 710। अरे 110 जोड़ोगे 710 तब तो इसके बराबर होगा ना। तो चलो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 2 6 9 4 13 14 निकालना किसका है भाग, ए का, तो 45 से गुना, तो ये ए के भाग नहीं निकलेगा, ए प्लस 75 के निकलेगा मान, ए प्लस 75 के निकलेगा। अब 75 हम उसमें घटा देंगे, ए के मान आ जाएगा कि तो कितना आ जाएगा 71 × 5 में कट गया बाबू, इससे 5 में कट गया, पता है तुम लोग के, हमको 45 × 225, तो ये 225 किसका मान आया, ए का मान नहीं, ए प्लस 75 का, 75 घटा दो बाबू 150 आएगा, 75 घटा दो, ए का रेट मान कितना है 150, आप ये भी अप्रोच से बना सकते हो, वहाँ की आफ्टर टू कर सकिए। ये लंबा हिसाब था इसलिए हम छोड़ दिए थे, और बोले थे कि बुक में बताएंगे और बता दें। अब ये नहीं सोचो कि हाँ 40 को ही अथी कर देंगे, 40 को करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक 20 कर सकते कोई दिक्कत नहीं। किताब में के मान को हमने सोचा थोड़ा सा दिमाग लगाए ऐसे भी बता दिए। हो गया बाबू, कोई लड़का ऐसे बोल रहा है कि सर इसको ऐसे नहीं बना सकते, बना सकते तो सर अब इसको ही बराबर या इसको बराबर किसको बराबर करें बोलो, 40 को कर दो बराबर कोई दिक्कत नहीं, 40 को बराबर कर देगा तो 40 करेगा तो 2/5 ए हो जाएगा नहीं क्या, और 2/ लेकिन थोड़ा सोच के करना, 40 तो यहाँ की हो जाएगा 2/7 भी माइनस 40 ने घटाने तो यहाँ माइनस 20 होगा, अब बराबर ये 2/17 सी आई कितना होगा ना, होगा लेकिन परेशानी ये बात की आएगी कि यहाँ कॉमन लोगे तो इन 9/17 भाग करोगे थोड़ा नहीं कटेगा, तो पूर्णांक में आएगा, ये नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन तुम फंसोगे पूर्णांक में आ जाएगा नहीं दशमलव में आ जाएगा, तो इससे अच्छा इसको मत करो, इससे अच्छा है इसको करके देखो, तो अगर बी को काटोगे तो सी हुआ जाएगा, यहाँ 2/5 ए आई प्लस बी आई वाला बराबर 2/7 बी और बराबर ही 20 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस, मेंस इसमें भी समस्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/17 सी आई
कितना नहीं, 9 से भाग देगा तो नहीं कटेगा, बन जाएगा इन्हें कि नहीं, तो अपना देख के करना है कि जो कट जाए, इतना कॉमन ले, यहाँ कॉमन लेंगे तो कट जाएगा नहीं, लेकिन वहां लेंगे तो कटेगा। ए अब सुनो, एक लाइन आओ रे बाबू, एक लाइन आओ सुनो, महेश मिश्र में ऐसे भी रहेगा कि 600 रुपया के एबीसी में इस प्रकार बांट दो कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपया दो, बी के 2/7 भाग से 20 रुपया कम, सी के 9/17 भाग से 10 रुपया कम, आपस में बराबर है, अधिक कम मिलल रहेगा, अधिक कम मिला हुआ रहेगा, फिर भी आपत्ति नहीं, इतना बराबर क्या मान लेना, इतना बराबर क्या मान लेना, जैसे भी या उसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, तुम पर डिपेंड है। तो इतना बराबर के होगा तो ये के मान क्या होगा, के माइनस 40 बटे 5/2, यहां से बी के मान ये माइनस है तो होने जाएगा के प्लस 20 7/2, यहां से के माइनस एच प्लस हो जाएगा 17/2, और तीनों के योगफल कितना जितना रहेगा उतना कर देगा, कोई दिक्कत तो ये माइनस और प्लस में रहेगा तो नहीं दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा, चलो अभी इसको जमा करते हैं, ठीक बना लेगा महेश मिस में मिलेगा ऐसा, ठीक क्वेश्चन, चलो 15 मिनट इस पर टाइम दे दिए, अच्छा बड़ा क्वेश्चन इसलिए देना, चले आगे, रेशियो में भर जितना मेहनत करना कर लो, 51 बाबू बता, देख लो 51 नंबर पहले से बताया हुआ है फिर भी बता रहे, कम से कम सीख जाओ, 56,000 इतना रुपया, कितना रुपया 56,250 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का आधा है, ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का आधा है, ए का भाग आधा है बी तथा सी के कुल भाग का, एक बटे बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, एक अनुपात, कहानी खत्म, कहानी ए का भाग बी से कितना अधिक, अरे हम बोले थे संख्या का अनुपात निकालने के लिए कि नहीं, ये जो जोड़ेगा तो बी से ये जो जोड़ेगा तो योगफल क्या होना चाहिए, सेम, यहाँ योगफल 3 है, यहाँ 5 ऊपर गुना और नीचे, चलो इतना है, इतना रुपए एबीसी में बांटने, मैंने योगफल है तीनों के, यहाँ बाबू एबीसी के अनुपात पहले निकाल दो, ए के मान 5, बी के मान 3, सी के मान, तीनों के योगफल कितना होगा, 5 × 2 = 10, 5 = 15, 15 में 5 से काट गया, अरे तीनों के योगफल का जो छोड़ो 15 में ये 2 जाएगा, सीध बचेगा, कितना हो गया 15 योगफल है, निकालना किसका है भाग, किसका भाग, एक के भाग बी से कितना अधिक है, कितना अधिक है, कहानी खत्म, कोई दिक्कत है बताओ, अरे कोई दिक्कत है, ये बताया हुआ है ना, लग रहा है ना, 52 देखते चलो बाबू, 52 रुपये 52 नंबर बताल है ना, आल है किताब में, सही से बांटे चाहे गलती से बटा, वही तीनों में योगफल सेम होता था, ये बताना है 53 नंबर, आप देखो 53 अक्षर बता देते हैं, बुक में हमने छोड़ दिया था अपना बुक में, देख लो 53 बाबू, कितना नंबर 53, एबीसी के आय का रेशियो 7:9:12 है बाबू रे, एबीसी के आय का रेशियो जो है 7:9:12 है, ये आय का रेशियो है कौन सी के, अब खर्च का जो रेशियो है ना 8:9:15 है, 8:9:15 ये कौन सी की रेशियो है खर्च, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, ऐसे है लिखा, ए की बचत उसकी कुल आय का
कुल आय का 1/4 भाग है। तो एबीसी के बचत का रेशियो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आप ध्यान से देखेंगे ठीक, ये अभी तक हम नहीं बताए थे, वो आज बता। देख लो, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। ए की जो बचत है बाबू उसकी कुल आय का 1/4 है। तो हमसे बोल रहा है ना कि बचत का रेशियो क्या होगा। अच्छा, बचत कैसे निकलता है? आय में खर्च घटाते, आय माइनस खर्च। अच्छा, आय 7 रुपया, खर्च 8 रुपया होगा। तो ऐसा करो, ये तो अनुपात में दे ले, ऊपर वाले को x मान लो, नीचे वाले को पहले मान लो। ऊपर वाले को x मान लो, इसका आय 7x, आओ इसका आय 9x, इसका आय 12x, इसका खर्च इतना। तो बोल रहा है कि बचत का रेशियो तो क्या हो जाएगा, आय माइनस खर्च, यानी 7x माइनस 8y। यहाँ बाबू 9 कॉमन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस। यहाँ बाबू 3 कॉमन कर सकते हैं, 4x माइनस। इन बचत का रेशियो आ गया। अरे बचत का रेशियो यही ना है, बचत का रेशियो यही है, लेकिन हमको कोई x और y के मान दे देगा, इसमें पुट कर देंगे, आराम से आ जाएगा बचत का रेशियो। क्या क्या x और y के मानने चाहिए? तो देखो वो दिया हुआ है, उससे आएगा x और y के मान। a की बचत उसकी कुल आय का, यानी a की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। a की बचत कितना है बाबू? इतना a की बचत कितना है? a की बचत उसकी कुल आय का, कुल आय कितना है? उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है, कोई दिक्कत है? ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है, 4 भाग है। तो यहां से एक्स वाई का रेशियो ला दो, 4 से गुना कर दो, 28x माइनस 32y बराबर। तो यहां से 7 इन्हें लाओ, 21x बराबर 32y होगा। एक्स और वाई का रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, बताओ? एक्स और वाई का रेशियो क्या हो जाएगा बाबू? 32 और 21। गुड, एक्स और वाई का रेशियो जो होगा 32। अब सुन लो, ये हम आप चुप कर दो, 32 21 आ जाएगा अनुपात, खत्म कर। तो कितना हो जाएगा? 32 करो, 32 सते 21 करो, कितना आएगा बताओ? अरे ये 32 जोड़ेंगे तो 200 पहुंचेगा, 24। 32 और 24 कितना होता है? 32 और 24 होता है 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई कितना आएगा? 11। एक्स माइनस वाई कितना आएगा? 11 के नगर नमा। यहाँ पे बाबू 32 चौका 128 माइनस 21 25 105, अंतर 23 है, 23 3 यही रेशियो हो गया बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा भी और मिलेगा। कोई अगर पूछेगा हाँ रेशियो पढ़ लिया, तो यही धर देगा, लो ये बनाओ। तो किताब में हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलता है, और हम भी अपना किताब में ये छोड़ दिए थे जब पढ़ा रहे थे। Thank you.
टेक्निक हो। इसको भी एक और तरीका से बना सकते हैं बिना एक्स वाई माने। बिना एक्स वाई माने हुए कैसे बना सकते हैं देख लो आप, देख लो ए बी सी के जो है बाबू आई का रेशियो क्या है 7:9 और खर्च का रेशियो 8:9:15। ये आई का रेशियो है बाबू, ये खर्च का रेशियो है, ठीक ना? हाँ, आय और खर्च, ठीक। सुन लो ये लाइन से सिर्फ ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4, ए के बचत जो है कुल आय का, आय में का लग गया कुल आय 4, अब बचा कितना रहा है बाबू? ए के जो है यहाँ जो चीज के अनुपात दिया रहे उसी चीज के अनुपात बना दो, तो ए के यहाँ दे ले आय और खर्च, तो आय और खर्च का रेशियो निकाल लो ए के कितना हो जाएगा। ए की बचत कुल आय का, कुल आय 4 है, ए के कुल आय 4 है, कुल आय ए के कितना है 4, अब बचा कितना रहा है 1, तो खर्च कितना कर रहा है 3। अब जिस प्रकार से ए के आय 4:3 बने उस प्रकार से बना दो, ई जो रेशियो होना चाहिए 4:3 का, बस हम नहीं कुछ चलते, जैसे बने 4:3 का रेशियो ए के आय और खर्च का, एक ने बारे में बोला था ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4, यानी ए के आय कुल कितना 4 और बचा रहा 1, मैंने खर्च कितना करना है। तो जिस प्रकार से ये रेशियो, जिस प्रकार से जो है ये रेशियो 4:3 बने बना दो, क्या दिमाग लगेगा बनाने के लिए? सबसे पहले इसको बराबर कर दो, 8 ऊपर गुना 7 क्या हो गया बराबर, और ऊपर 4 से गुना नीचे 3, लिखो तो क्या बोले आ गया। तो देख लो बाबू पहले क्या करेंगे, बराबर इस 8 से ऊपर गुना और 7 से, कोई दिक्कत? उसके बाद ये बराबर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 4 ऊपर गुना 3 तो हो जाएगा वो, अरे ये जो बराबर हो कट जाएगा और 4:3 आ जाएगा, चलो हो गया, यानी ऊपर 32 से गुना नीचे कहानी, ऊपर 32 से गुना नीचे 32 से 24 ऐसे होगा। आइए 21 से 21 कवा। अब आय में खर्च को घटे ले चलो आ जाएगा बच्चा 224 में 168 घटा 56, इतना में ही घटा लो 182, तो इतना में 182 घटाएगा 99 बचेगा, पता है तुम लोगों को। आइए बोला कितना कहानी, तो आप विदाउट एक्स वाई मान के भी चीज को कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, समझे? क्योंकि वो दोनों लंबा हिसाब था और दोनों के दो दो प्रोसेस बता दिए, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो ऐसे भी चीज चल सकता है, बहुत अच्छा। ए ये वाला देख लो, कौन वाला? रामलाल वाला। रामलाल दो धनों के अपने 4 पुत्रों एबीसी में, एबीसीडी। ए बाबू रामलाल दो धनों के अपने 4 पुत्रों एबीसीडी में 4:3 के अनुपात में बांटा, 4:3 एक के रेशियो में बांटा, और फिर 5, 6, 7, 8 के रेशियो में बांटा। नहीं, यदि दूसरा धन पहला धन से दुगना है तो सबसे अधिक धन किसको प्राप्त हुआ, मिला? आप पहले क्वेश्चन को समझ जाओ, बनाने में सहूलियत। बाबू बोला रामलाल के 4 बेटा है, रामलाल के 4 बेटा है और रामलाल के 2 जगह धन है,
एगो गांव में है, एगो लखीसराय में, ठीक ना? बोला जो लखीसराय में धन है गांव से दुगना धन है, है? ये मान लो गांव के धन है, ये लखीसराय के, तो गांव से दुगना है लखीसराय में धन, क्या? तो देखो 100 करोड़ दुगना हो रहा है, जोड़ेगा तो होना चाहिए हो, और अपन बेटा में गांव वाला इस अनुपात में बांट दिया और शहर वाला इस अनुपात में बांट दिया, जजा दुगना था इस अनुपात में। तो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि दुगना धन है कि नहीं, चाहते सात दोनों एक और नौ, चाहते सात दोनों एक दस, ये जा 10 रुपया है, मान लो 10 करोड़ है, तो ये जा कितना है 8, 7, 15, 6, 5 इसके अनुसार ये जा 20 करोड़ नहीं होना चाहिए, बोला दुगना धन है 26, ज्यादा है, तो ऐसा करो जैसे दुगना आवे उसे कर दो, तो सबसे पहले बराबर करोगे, उसके बाद दूसरे नीचे कहा लिखा बस ठीक सुना। तो बराबर करने के लिए और एक प्रोसेस बताए थे बाबू, कटे तो काट देना, 13 ऊपर गुना और नीचे, तो की हो गया धन बराबर, लेकिन की बोला धन बराबर है ना, लगे सब दुगना, चलो कर दो, 13 × 52 33 × 39 36 13 × 26 13 × 10 50 60 70 80 ए बाबू सबसे अधिक धन किसको प्राप्त हुआ? देखो गांव में था 52 रुपया मिला, लखीसराय 50 रुपया एकरा मिला, तो कितना 102 रुपया मिला, यहाँ पे 99 रुपया मिला, यहाँ पे 96 रुपया मिला, यहाँ पे 93 मिला, सबसे अधिक धन किसको प्राप्त हुआ? ये भी आया था बाबू, शायद हमने छोड़ दिया था, यहाँ बता दिया, ये भी आया था मेरा बुक में, वहां पे शायद छोड़ दिया, यहाँ कोई दिक्कत? तो तुम पे डिपेंड है कि तुम कितना अच्छा से बुक बनाते हो। हाँ, अगर गलती से ही बुक बन गया ना हो, 90% भी ई से, 90% भी चैप्टर यानी बन रहा है या बताने के बाद बन जाता है, तो तुमको फिर रेलवे ग्रुप डी या NTPC या टेक्नीशियन ELP SSC GD कोई भी डिफेंस लाइन कोई रोक नहीं सकता है, ISSC का INDA या इससे नहीं, उसका लगत ये चल रहा है। सोचो उतना तक कवर कर लोगे तो क्यों नहीं एक बार अच्छा से बना लेते हो बाबू, यही तुम्हारा छोटा छोटा गलती बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं आप अच्छा से कर लो, ठीक ना? कहे कि बुक का ज्ञान देना मामूली बात नहीं है, आजकल अब देखते हो बुक कहीं नहीं चलने लगा, चलता था पता किए बिहार सिर्फ में चलता था, वो भी बंद हो गया, क्यों? बल लड़का इंटरेस्टेड नहीं होता है बुक पढ़ने, बल बुक पढ़ाते हैं लड़का भाग जाता है, तो क्या करें, बल पढ़ाते हैं, मेरा भी मजबूरी है, चलो जो पढ़े लड़का वही पढ़ाओ, हो गया चाहे नहीं वगैरह, यानी असाइनमेंटों से होता है लेकिन तुमको मेहनत करना पड़ जाएगा, ये चीज होगा, और ऐसे बुक में ना एक के बारे में मेहनत हो रहा है सब, ये चीज होता है। तो आओगे आगे बना के? अरे आगे आओगे,